राष्ट्रपति पद की रेस में द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को पीछे छोड़ा। एमपी वोट काउंट में यशवंत सिन्हा को महज 208 वोट मिले। रायसीना हिल्स की रेस में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने बढ़त बनाते हुए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को सांसदों के वोटों की गिनती में पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति पद के लिए कुल 748 सांसदों के वोट पड़े हैं, जिनमें से मुर्मू को 540 वोट मिले हैं, जबकि यशवंत सिन्हा को महज 208 वोट मिले हैं। इस दौरान 15 सांसदों के वोट अमान्य हो गए। राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना जारी है, इसमें सबसे पहले सांसदों के मत की गिना जा रहा है, बाद में इसमें अन्य वोटों को शामिल किया जाएगा। वहीं एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के गांव में लोग जश्न मना रहे हैं, इसके लिए गांव में 20,000 लड्डू भी बनाए गए हैं। इस बार राष्ट्रपति चुनाव में 98.91% वोटिंग हुई थी। चुनाव आयोग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 12 राज्यों में 100% मतदान हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, एमपी, मणिपुर, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु और पुडुचेरी शामिल है। द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर आश्वासित भाजपा ने विजय जुलूस की भी तैयारियां शुरू कर दी है। परिणाम के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। संसद भवन के कमरा नंबर 63 में मतगणना हो रही है और शाम 4 बजे के आसपास नतीजे आने की उम्मीद है। मतदान के बाद बैलेट बॉक्स को भी सभी राज्यों से दिल्ली मंगाया गया था। इस चुनाव में एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू तो वहीं विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा है। क्या बोले द्रौपदी मुर्मू के भाई? एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के भाई, हमारे गांव में खुशी का माहौल है क्योंकि हमें उम्मीद है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की अगली राष्ट्रपति बनेंगी। यह आदिवासी समुदाय ओडिशा और देश के लिए गर्व की बात है। वही केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होने से न केवल आदिवासी बल्कि देश में सभी को गर्व की अनुभूति होगी। मतगणना से पहले ही एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव में जश्न का माहौल देखा गया। इस दौरान गांव के लोगों द्वारा जुलूस निकाला गया। राष्ट्रपति से कितना अलग होता है उपराष्ट्रपति? चुनाव कैसे होती है वोटिंग और गिनती? राष्ट्रपति चुनाव में अगर द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीतती है तो वह पहली आदिवासी महिला होंगी जो राष्ट्रपति के पद पर बैठेंगी। बता दें कि 14 जिलों ने विपक्षी उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा समर्थन देने की घोषणा की है, तो वहीं झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के लिए 44 दलों ने समर्थन की घोषणा की। मुर्मू की जीत के बाद दिल्ली भाजपा ने पार्टी मुख्यालय से राजपथ तक रोड शो की योजना बनाई है। सूत्रों ने बताया कि इस मौके पर कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में सबसे अधिक वोट पाने वाला विजेता नहीं बल्कि एक निश्चित कोटे से अधिक वोट पाने वाला होता है। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए डाले गए वोटों को जोड़कर 2 से विभाजित करके और उसमें 1 जोड़कर कोटा निर्धारित किया जाता है। इस वैल्यू से अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार की जीत होती है।